जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स, GST और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो आपने हमारे YouTube चैनल पर देखी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन कमेंट आ रहे थे कि सर कंपनी के बारे में भी हमें बताया करें, जो कि पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, OPC होती है। तो हमारे साथ में आज CS शशि मिश्रा जी हैं, जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। आपको इस वीडियो के अंदर और आने वाली वीडियोस में भी बताने वाले हैं कि कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या टाइम लगता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना खर्चा लगता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। तो मेक श्योर करें, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सुमित जी, आपको और दर्शकों को कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया आपने। तो मैं आज यहाँ ना कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि कंपनी कितनी तरह की होती है और इसके बनाने में क्या टाइम लगता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और जैसे मान लो अपने बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने अपना GST नंबर बना लिया तो वो सोचता है मैंने कंपनी बना ली, तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप, HUF, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, AOP, BOI, बहुत सारे स्टेटस होते हैं। तो जिस व्यक्ति का एक अलग से पैन कार्ड है वो एक एंटिटी बन जाती है। तो सर आप बताएंगे। प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सरकार ने इसको ना एक पर्सन बना दिया है। जैसे कि इंडिविजुअल है वैसे ही ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये खुद से सुमोटो एक्शन ले सकती है, कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है, डायरेक्टर आएंगे जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। तो मैं अब समय ना बर्बाद करते हुए डॉक्यूमेंट के लिए डिस्कस करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और 2 मेंबर और सब्सक्राइबर, जो कि दोनों सेम हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें 2-3 डायरेक्टर और 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इनिशियल, बस यही चीज़ें चाहिए। एक बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है जो पिछले 60 दिनों का होना चाहिए, जिसमें कम से कम 1 एंट्री होनी चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट यही है। अब प्रोसेस जो है वो सबसे पहले 2 नेम चाहिए जो हम अप्लाई करेंगे स्पाइस पार्ट ए के थ्रू। उसमें टाइम की बात करूँ तो 1 हफ्ते दिन के अंदर अंदर नेम अप्रूवल आ जाता है। अगर नेम अप्रूव नहीं हुआ तो हमें दोबारा से 2 चांस मिलता है, 2 अलग अलग नाम डाल के हम यूनिक नाम डाल के अप्लाई कर सकते हैं। उस जैसे ही नेम अप्रूव हो गया फिर नेक्स्ट स्टेप में इनकॉर्पोरेशन का पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम एड्रेस प्रूफ के लिए अगर हम डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हम इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। स्पाइस पार्ट बी के थ्रू हम कंपनी की सारी डिटेल डालेंगे कि इसमें ऑथराइज कैपिटल क्या होगी। वो ऑथराइज कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट करके हम मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं। अब फीस की बात करूँ तो हर स्टेट अलग अलग फीस है स्टैम्प ड्यूटी। स्पाइस पार्ट ए रन का जो है नेम अप्लाई के लिए वो मिनिमम और मैक्सिमम 1000 रुपये का है, वो पूरे इंडिया सेम है। और स्पाइस पार्ट बी का है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग हर स्टेट का चेंज होते रहता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो मिनिमम 1 लाख से 15 लाख तक के लिए 5510 रुपये का 5510 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी जाएगा, और इसके ऊपर 143 का एक और चलान जाएगा जिसमें पैन टैन हमारा अप्लाई होके आ जाता है। अच्छा, पैन कार्ड और टैन कार्ड पहले से अप्लाई हो जाएगा, साथ साथ ही प्रोसेस हो जाएगा और वो साथ ही अप्लाई होके ठीक है मिल जाएगा। तो सर जैसे 7 दिन में तो हमारा नेम अप्रूवल हो गया और अपने पार्ट बी के अंदर जो आपने बताया था वो हम अप्लाई कर देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह भी होता है कुछ? हाँ, बताएं जी, वो साथ में ही जब पार्ट बी फॉर्म फिल करेंगे हम तो उसके साथ एक अजाइल फॉर्म जाएगा, एक EMOA और एक EAOA का फॉर्म जाता है, जिसके थ्रू हमारा MOA और AOA, MOA के अंदर हम क्या क्या काम करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट पूरी डिटेल होती है, और AOA में पूरे वो रूल्स होते हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। वो हम सबकी जिस नीड के अकॉर्डिंग, हर क्लाइंट का अलग अलग नीड होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनसे डिस्कस करके वो सारा पॉइंट उसमें हम डालते हैं। अब बात करूं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन में के साथ साथ हमें क्या क्या मिल जाता है साथ साथ रजिस्ट्रेशन, तो आजकल 2020 के बाद से EPF और ESI मैंडेटरी किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये दोनों रजिस्ट्रेशन कंपनी के साथ में कंपनी के साथ ही आ जाता है। और एक बैंक अकाउंट भी है वहाँ पे लिस्ट बैंक की, कि हमें कौन से बैंक में कंपनी का अकाउंट ओपन करना है, तो वो भी हम सिर्फ बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, नेम,
उस बैंक में हमारा अकाउंट खुल के वो वर्चुअल अकाउंट नंबर हमारे पास मैसेज में आ जाता है, वो फिर हम नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके जो भी हमारा बैंक हमने डिसाइड किया हुआ है उसके अंदर जाके हम अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे कंपनी का। ठीक है सर, और एक डिजिटल सिग्नेचर भी शायद चाहिए होता है जी, उसका क्या रहता जैसे है? हम मैनुअल सिग्नेचर करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, वैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, वो फिर हम क्लाइंट का बनवा के सपोज एक जैसा पेन ड्राइव होता है एग्जाम्पल, वैसे ही वो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा होता है, उसी से सारे फॉर्म पे सिग्नेचर लगता है सर उनका। ठीक है सर, तो आपका कहने का मतलब नेम अप्रूव होने में एक हफ्ता लग जाता है और उसकी फीस लगभग 1000 रुपये रहती है जी। उसके बाद में पार्ट बी में आप जो मेन अप्लाई करेंगे आपको उसका भी टाइम इतना ही लगता है, हफ्ता 10 दिन का? हफ्ता 1 दिन का टाइम लग जाता है मोस्टली। उसमें 5500 कुछ रुपए की गवर्नमेंट की फीस है, बाकी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगी। और पैन कार्ड और टैन कार्ड आपको हैंड टू हैंड लेना पड़ेगा, वो और पीएफ ईएसआई की कोई अलग से फीस नहीं होती है। और जीएसटी नंबर भी सर स्टार्टिंग में अप्लाई करना पड़ता है? जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। अगर हम चाहते हैं कि जीएसटी नंबर हमारा साथ में आए तो अजाइल फॉर्म के अंदर एपीएफ ईएसआई बैंक अकाउंट और जीएसटी के लिए फॉर्म फिल होता है, तो बाकी चीजें तो मैंडेटरी हैं, जीएसटी ऑप्शनल है। अगर हमें चाहिए तो हम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज जब रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी का तब हम अप्लाई करते। जैसे बाकी लोगों को 20 लाख तक की सर्विस बिना जीएसटी के दे सकते हैं, 40 लाख रुपए तक की सेल दे सकते हैं, उसी तरह से इसी में ये रूल लागू होता है? जी सेम, जैसे जीएसटी का जो है रूल वो सेम कंपनी पे भी अप्लाई होता है। ठीक है तो मतलब 7 दिन नाम अप्रूवल में और 7-1 दिन इनकॉर्पोरेशन में, मतलब 15 दिन के अप्रोक्सीमेटली आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। उसके साथ में आपका पेन आ जाएगा, टेन आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका, ईएफ और ईएसआई आ जाएगा, और जीएसटी अगर आपने अप्लाई किया तो वो भी साथ में आ जाएगा। इसमें सर आपने जहाँ पे अपना ऑफिस या जो उसका ठिकाना होगा कंपनी का, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, ओनरशिप प्रूफ या जो? वो अगर प्रॉपर्टी खुद की है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए खुद का, मतलब किसी एक डायरेक्टर के नाम हो तो भी चल जाएगा? किसी एक डायरेक्टर का नाम है तो वो कंपनी को असाइन कर सकता है यूज करने के लिए, कि हमने कंपनी को दिया है यूज करने, उस केस में उसका एक एनओसी लग जाना है। और यूटिलिटी बिल की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मोबाइल बिल, इन तीनों में से कोई भी एक चाहिए होगा, वो भी पिछले 60 दिन के अंदर का होना चाहिए, उससे पुराना वो नहीं। ठीक है, तो मतलब 15-20 दिन के अंदर सर हमारा सर्टिफिकेट आ गया है, और उसके बाद में हमें कुछ इमीडिएटली करने वाले काम या क्या काम हमें करने होते हैं? एक तो अगर हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस डिसाइड नहीं किया कि कौन सा होगा, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपडेट करना मैंडेटरी है। वो INC 22 एक फॉर्म है, उसके थ्रू हम रजिस्टर्ड एड्रेस डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो अगर प्रॉपर्टी खुद की है किसी भी डायरेक्टर की, तो वो उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उनका एक एनओसी लग साथ में जाएगा कि हमने कंपनी को ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दिया है। और एक यूटिलिटी बिल चाहिए होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इस तीनों में से कोई एक चाहिए होगा। आजकल क्या है कि एक फ़ोटो भी मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो जीपीएस लोकेशन के लिए कि आपका एड्रेस कहाँ है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी वहाँ फॉर्म में मेंशन करना होता है। तो उसमें हमें क्या चाहिए कि एक फ्लैक्स कंपनी का बना हुआ होना चाहिए, जिसके ऊपर कंपनी का नेम, सिन नंबर, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया उसके ऊपर आपका लिखा होता है सिन नंबर, सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको बोलते हैं हम सिन, और कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये मेंशन होना चाहिए। और कोई भी एक डायरेक्टर उस फोटो में होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कंपनी के बाहर फ्लैक्स के साथ उसका और ऑफिस के अंदर बैठा हुआ एक फोटो साथ में चाहिए। तो 30 दिन के अंदर हमें एड्रेस अपडेट करना होगा, और एक काम शायद और होता है 30 दिन के अंदर अंदर, एक ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है कि कंपनी का स्टेट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा, जो कंपनी का ऑडिट करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, उसके लिए एक ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है, वो भी हमें 30 दिन के अंदर फॉर्म ADT 1 के थ्रू फाइल करना होता है। तो सर ये दोनों काम अगर कोई व्यक्ति, कई बार हमने देखा है कि कोई मजाक में या लाइटली ले लेता है और कंपनी बना लेता है, लेकिन बाद में अगर उसको 30 दिनों के अंदर ये नहीं कर पाता है तो इस पे पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं करते हैं तो 12 टाइम्स की पेनल्टी जाती है, वो जो भी फॉर्म का नॉर्मल फीस है उसके 12 टाइम तक हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। जैसे 400-500 रुपये फीस है तो मतलब 6000 रुपये फीस होगी उसकी अप्रोक्सीमेटली। जी हाँ, जो भी नॉर्मल फीस होगी, अगर 1 लाख की कंपनी है तो 300 नॉर्मल फीस है, अगर 10 लाख की है तो 400, ये
इस तरह से फीस के फिर 12 टाइम तक हमें पेनल्टी पे करनी। तो दोस्तों MCA जो है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, तो आपको कंपनी जब भी बनाएं तो किसी टैक्स प्रोफेशनल की या किसी भी कंपनी सेक्रेटरी की, जैसे हमारे शशि जी हैं, तो बाकी अच्छे से हम टाइम टू टाइम देखते रहते हैं कंपनीज का क्या कंप्लाइंस करने हैं, ताकि आपको पेनल्टी वगैरह ना लगे। गवर्नमेंट को पेनल्टी देने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो हम अच्छी फीस देकर के एक टैक्स प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंप्लाइंसेज होते हैं, एक आपने 180 डेज का कुछ बताया था सर। जी, इसमें क्या है कि कंपनी जब हमारी कंपनी बन गई 15 से 20 दिन के अंदर, उसके बाद काम स्टार्ट करने के लिए बैंक अकाउंट भी खोलना होगा हमें। जो हमारा बैंक अकाउंट खुल के आ गया है, जो अकाउंट नंबर, वो नियरेस्ट ब्रांच में जाके हम अपना अकाउंट एक्टिव करवाएंगे। और जो भी सब्सक्राइबर या फिर उसके मेंबर हैं और उन्होंने जो शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं, सपोज कंपनी 1 लाख की बनी हुई है और पेड अप कैपिटल भी 1 लाख है, तो और दोनों का जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है शेयर डिवाइड किया हुआ है 50-50 है, तो 50-50 हज़ार रुपये दोनों के सेविंग अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऑनलाइन मतलब NEFT होना चाहिए, IMPS होना चाहिए, या फिर चेक के थ्रू डिपॉजिट होना चाहिए। कैश डिपॉजिट अलाउड नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद उस कंपनी का स्टेटमेंट चाहिए होगा, साथ में फिर वही फोटोग्राफ्स जो लोकेशन का है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल के वो सारा कुछ उसमें फाइल करना होता है सर, वो INC 20A फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे पेचीदापन भी होता है इसके अंदर। तो दोस्तों आपको अगर दो डायरेक्टर हो तो दोनों डायरेक्टर्स के पैन, आधार, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है। आप एक जने हो, अगर आपने आपको दूसरा डायरेक्टर नहीं मिल रहा है, तो वन पर्सन कंपनी का भी एक कंसेप्ट इन्होंने बताया सर ने कि OPC प्राइवेट लिमिटेड भी आप बना सकते हैं, और आपको हफ्ते के अंदर अंदर नेम अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपका नेम अप्रूव नहीं होता है, वो नेम अगर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर से आप नए नेम से अप्लाई कर सकते हैं उसी फीस के साथ में, जो कि 1,000 रुपये फीस होती है। फिर आपकी कैपिटल कितनी है, कितना, कौन सा आपका स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लग जाती है, जो कि 5-6 हज़ार की अप्रोक्सीमेटली रहने वाली होती है। आपके डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं दो, जो कि उसका भी कॉस्ट 5-700 रुपए से लेकर के 1,000-1,200 तक का रहता है, जो डिपेंड करता है आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। आपका पैन कार्ड और टैन कार्ड अप्लाई करते हैं, उसकी भी 143 रुपीज़ फीस रहती है। इसके अलावा PF ESI की कोई फीस नहीं है, GST की कोई फीस नहीं है, बैंक अकाउंट ओपनिंग की कोई भी फीस नहीं है। तो हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपका जो है हफ्ता आपका नेम अप्रूवल में लगेगा, और 1 हफ्ते में आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मतलब आपकी कंपनी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद में 2 फॉर्म आपको 30 दिन के अंदर अंदर भरने होते हैं। तो इसके सर, आप कोई कंपनी बनाता है कोई व्यक्ति, तो प्रोप्राइटरशिप की बजाय उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट या क्यों बनाए वो, क्योंकि उसको ये बेनिफिट मिले? ये सवाल बहुत ही अच्छा है सुमित जी, क्योंकि आजकल ना लोग, हर किसी को ना ब्रांड चाहिए, और ब्रांड प्रोप्राइटरशिप का ना कुछ भी लीगल आइडेंटिटी अगर बात करूँ तो वैसा कुछ है नहीं, जिसको ना ऑनलाइन लोग देख के या फिर कहीं से भी उसका डिटेल निकाल के सर्च करे, ट्रैक कर सके कि वो क्या है भी या नहीं है। नॉर्मली GST नंबर ले लिया, MSME के अंदर रजिस्टर्ड करवा लिया और प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाती है। कल को कोई काम किया और वो फर्म उन्होंने बंद कर दिया, तो हम कहीं ढूंढ नहीं सकते, उसको ट्रैक नहीं कर सकते। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, सारा डाटा उनका MCA जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है उसके ऊपर सारा डाटा उनका होता है। इसको इजीली हम बंद नहीं कर सकते, स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, वाइंड ऑफ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा सबसे बड़ा है कि ब्रांड वैल्यू ना एक क्रिएट हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड से। दूसरा जो इसका है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये खुद में ही एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक्ट इसको बनाया हुआ है। और तीसरा जो इसका है कि अगर हम बैंक में लोन वगैरह के लिए चाहिए, जो कि सबको चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए आज के डेट में, तो लोन के केस में भी बैंक वगैरह का ना फेथ थोड़ा सा प्राइवेट लिमिटेड पे आसानी से जल्दी बनता है, क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन है तो इसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। ये भागे कि नहीं, इंडिविजुअल का पता नहीं वो कब है काम बंद कर दिया, तो ये इसका ना बेनिफिट है। अगर हम स्टार्टअप में जाते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप के अंदर नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड को 3 साल तक के लिए टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट जो कुछ भी है, जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में डिक्लेयर किया हुआ है, वो चाहे 1 रुपया हो या 1,000 करोड़ हो, उसके ऊपर हमारा 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है स्टार्टअप के अंदर। अगर हम एक्सपोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी हमें प्राइवेट लिमिटेड में बेनिफिट मिल जाता है, जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। MSME के अंदर बात करूँ तो हमारा जो कुछ भी मार्केट में पैसा फंस गया तो उसके रिकवरी के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है MSME के अंदर। अब टैक्स रेट की बात करें सर, जैसे प्रोप्राइटरशिप को तो स्लैब रेट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के ऊपर देना होता है।
फर्म जो होती है, जो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को 30% देना होता है, तो कंपनी को कितना टैक्स देना होता है? सुमित जी, कंपनी के केस में जो टैक्स लायबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो वहाँ इनकम टैक्स सिर्फ 18% का, 18%, और अगर सर्विस सेक्टर में है वो तो वहाँ 22% यानी 22% का इनकम टैक्स उनको पे करना। वो भी तब होगा जब अपने सारे खर्चे, जैसे डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन भी दे सकते हैं, वो सब घटाने के बाद जो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमारा होगा उसके ऊपर हमें ये, तो कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम ही लग रहा है, बाकी बहुत कम लग रहा है। अगर वैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में लोग टैक्स बचाने के चक्कर में एक्चुअल फिगर दिखाते नहीं है, उसका ये ड्रॉबैक होता है कि कल को हमें लोन चाहिए हो तो वहाँ हमें बैलेंस शीट दिखाना पड़ता है, तो वहाँ हम बैलेंस शीट बचाने के चक्कर में सपोज कि 1 करोड़ का उसका है एक्चुअल, अब वहाँ उसने 10 लाख ही शो किया है प्रॉफिट बचाने के चक्कर में, तो उसको लोन ही नहीं मिलना जितना वो डिजर्व करता है या फिर वो उसके रिक्वायरमेंट है। और प्राइवेट लिमिटेड के केस में अगर उसने 1 करोड़ का 1 करोड़ भी दिखा दिया, प्रॉफिट उसने शो कर दिया, तो एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप फर्म यहाँ उसको 18% या फिर 22% ही टैक्स देना है, जो कि 30% से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। तो सर, आपने एमएसएमई के बारे में डिस्कस किया, जैसे तो ये क्या कंपनी भी एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करा सकती है? कंपनी भी आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकती है, अगर कंपनी का कुछ भी बकाया कहीं भी फंस गया है और वो 45 दिन से ज़्यादा है। एक ये कंप्लाइंस में ना हाफ ईयरली कंप्लाइंस भी है कंपनी बनने के बाद, कि जिसको एमएसएमई वन फॉर्म है जो हर 6 महीने के अंदर हमारा जो कुछ भी एमएसएमई में बकाया है, मतलब हमने जो परचेज किया है उसका अगर बकाया हमने 45 दिन से ज़्यादा रखा हुआ है तो वो उसकी डिटेल हमें देनी पड़ती है और रीज़न बताना पड़ता है कि हमने इसका बकाया क्यों होल्ड किया हुआ है। ठीक। तो सामने वाली पार्टी जिससे हमने माल खरीदा है वो भी बताएगी अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो। और आज के डेट में मोस्टली जो फर्म है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होती ही है, वो उनके जो टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी के माइक्रो स्मॉल मीडियम में है तो वहाँ फिर इसका सर वो देखने को मिल जाता है कि बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट पहले तो हमने बताए, फिर टाइम क्या लगता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको करनी होती है, तो काफ़ी सारी जानकारी हमें इस वीडियो में मिली है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, अगर आपने कंपनी बनानी है या बना ली है तो मेक श्योर करें जितने भी कंप्लाइंस हैं उनको टाइम से करें, क्योंकि अदरवाइज लेट फीस पेनल्टी वगैरह काफ़ी लग जाती है यहाँ पे। और एक टैक्स प्रोफेशनल को, अच्छे टैक्स प्रोफेशनल को जरूर हायर करें, ताकि आपको किसी भी तरह का कंप्लाइंस गवर्नमेंट की तरफ से जब एक नोटिस आ जाता है तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है, तो किसी भी तरह का नोटिस ना आए, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपका ना लगे। तो हमसे भी कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे हमने क्वेरी का बॉक्स दिया है दोस्तों, लिंक दिया है, उसके ऊपर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। कंपनी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको चाहिए कि इन फ्यूचर में आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो भी आप हमें बताइएगा। तो थैंक यू सो मच शशि जी, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में काफ़ी सारी बारीकियाँ पेचीदियाँ हमें बताई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।